बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। हेलो एवरीवन, मैं सुनिधि मेहरान आरंग आप सबका स्वागत करती हूँ एस्ट्रो तक पे। आप हमारी वीडियोस एस्ट्रो तक के यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। आप एस्ट्रो तक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। आप हमारी वीडियोस फेसबुक पे जाके भी एस्ट्रो तक के पेज पे देख सकते हैं और तक ऐप पे भी आप देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज हम बात करेंगे सावन के महीने की। सावन का जो महीना है वो 25 जुलाई से शुरू हो रहा है और 22 अगस्त तक रहेगा। ये अब आषाढ़ का महीना खत्म हो रहा है 24 से, और 25 से सावन का महीना शुरू हो रहा है। भगवान शिव को सबसे प्रिय है सावन का महीना। इस समय कहा जाता है भगवान शिव कैलाश छोड़कर धरती पे विचरण के लिए आते हैं, और इस समय भगवान शिव की और प्रकृति की दोनों को ये महीना, ये समय समर्पित किया जाता है, उन्हीं को समर्पित किया जाता है। इस समय अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं तो आपको इस समय उनकी पूजा करनी चाहिए। ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस समय अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी में कोई मुश्किलें हैं या किसी कारणवश आपकी शादी नहीं हो पा रही तो आप भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं, आपकी जो मनोकामना है जरूर पूरी होगी। कहा जाता है अगर 16 सोमवार के व्रत रखा जाए इस समय तो लड़कियों की शादी जल्दी हो जाती है, आराम से हो जाती है और अच्छे से हो जाती है। तो अगर किसी भी कारणवश आपको शादी में मुश्किलें आ रही हैं, शादी होने में मुश्किलें आ रही हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब भगवान शिव की पूजा आराधना बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल तरीके से आप उनकी पूजा आराधना कर सकते हैं। आप भगवान शिव की फोटो या मूर्ति अपने घर में रख सकते हैं, और अगर हो सके तो शिव पूरे शिव परिवार की अगर आप मूर्ति रख सकें, उनकी फोटो रख सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। शिव परिवार में भगवान शिव की, माँ पार्वती की, कार्तिकेय की, भगवान गणेश जी की आप मूर्ति या फोटो उनकी परिवार की रख सकते हैं और उनकी पूजा आराधना कर सकते हैं। अब कैसे करना है, आप अगर हो सके तो रोज, या आप 16 सोमवार को भी रख सकते हैं। सोमवार हम सब जानते हैं शिव जी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस समय लोग व्रत भी रखते हैं शिव जी के नाम पर। तो 16 सोमवार अब जो शुरू होंगे आप उनमें व्रत भी रख सकते हैं, और आप शिव जी को सुबह आप स्नान करवा सकते हैं पंचमृत से। आप 16 सोमवार को करवा सकते हैं, रोज भी उनको इस तरह से कर सकते हैं, पंचमृत से उनको आप स्नान करवा सकते हैं। पंच अमृत में क्या क्या जरूरी है, पंचमृत में गंगा जल चाहिए, दूध, दही, शहद और बुरा, ये पांच चीज़ों से आप उनको स्नान करवा सकते हैं, नहीं तो आप उनको ये चरणों में ही रख सकते हैं, उसके बाद आप इसका भोग लगा सकते हैं। अब इस समय जो बेलपत्र है उसकी अहमियत बहुत मानी जाती है। कहा जाता है माता सती ने एक बेलपत्र पे ही शिव भगवान को बुलाया था और वो आ गए थे। इतनी सरल है शिव जी की आराधना, अगर आप पूरे मन से करते हैं तो शिव जी बिल्कुल आपकी बात सुनते हैं। तो आप एक बेलपत्र, यानी कि बेलपत्र इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, और जो चार चीज़ें आपको अर्पित करनी है उनमें क्या क्या है, बेलपत्र, भांग, धतूरा और दूध की बनी मिठाई। ये चार चीज़ों की अहमियत बहुत ज़्यादा है। आप फल भी दे सकते हैं, बट ये चार चीज़ें जो मैंने बताया, बेलपत्र, भांग, धतूरा और दूध की बनी मिठाई, आप उनको अर्पित कीजिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस समय। और जो व्रत रख रहे हैं उनको उस दिन नमक का सेवन नहीं करना है। आप एक बार खाना खा सकते हैं, दही के साथ खा सकते हैं, आप चीनी का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब मीठा दूध की बनी चीज़ें खा सकते हैं, और आपको नमक का जो सेवन इस समय नहीं करना है अगर आप व्रत रख रहे हैं। और जो सबसे ज़्यादा अहमियत है, अगर आप मंत्र पढ़ना चाहते हैं, मंत्र करना चाहते हैं, मंत्र का जाप करना चाहते हैं, तो आप ओम नमो उमा महेश्वराय नमो नमः का जाप कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो 108 बार रोज करिए, नहीं तो यानी कि आप 11 बार कर सकते हैं, या 11 बार करिए दिन में, या 108 बार करिए। अगर आपके पास समय है तो 108 बार करिए। आप देखिएगा, अगर आप सावन के समय, इस महीनों के समय अगर आप ये मंत्र का जाप करते हैं तो आपकी जो मनोकामना है वो ज़रूर ही शिव भगवान पूरी करेंगे। तो बिल्कुल शिव जी को अपने घर में उनकी पूजा आराधना करिए, इस समय आपकी जो मनोकामना है जरूर पूरी होगी। थैंक यू सो मच।